विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। लोग मिठाई क्यों खाए, क्या खासियत है? देखिए, मैंने बताया हमारी खासियत में सबसे पहली चीज है क्वालिटी। हमारे ब्रांड की जो गुणवत्ता है, आज तक आपने किसी से सुना नहीं होगा, बहुत रेयर ऐसा होता है कि हाँ भाई, हमने बिकानो का कोई प्रोडक्ट खरीदा था और वो जो है खराब निकलाया। दूसरा, एक लोकल मिठाई से यदि हमारी मिठाई को आप कंपेयर करोगे, वो मिठाई जैसे मैंने आपको बताया 2-3 दिन में कंज्यूम करनी है, नहीं तो वो ख़राब हो जाती है, उसमें फंगस लग जाते हैं, कुछ लग जाते हैं। हमारी मिठाई की जो रेंज है, जो मैंने बताया 45 दिन से लेकर 1 साल तक की शेल्फ लाइफ है इसकी, तो आप इसको अपने घर में प्रिजर्व करके रख सकते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सकते हैं। इसको फ्रोजन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कहीं ठंडे में रखने की ज़रूरत नहीं है। एक रूम का जो एम्बियंट टेम्परेचर होता है उस पर आप रख सकते हैं और 1 साल तक कंज्यूम कर सकते हैं। मिठाइयों की लाइफ टाइम की बात की तो उसमें क्या केमिकल वगैरह ऐसा कुछ मिलाया जाता है? नहीं, ये केमिकल नहीं मिलाया जाता। आप हमारे कोई भी पैक्स निकाल के उसमें चेक कर सकते हैं। हमारे जो भी मिठाइयाँ हैं, हमारी जो पैकिंग की टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी उसको लाइफ देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टेक्नोलॉजी है रिटॉर्ट करके, एक टेक्नोलॉजी है मैप करके। तो क्या ये टेक्नोलॉजीज क्या करते हैं, सेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ एनहेंस करने में मदद करते हैं। इसमें केमिकल्स की कोई ज़रूरत नहीं करती। ये एक पैकिंग करने की एक स्टाइल है, जिसकी वजह से हमारे को वो शेल्फ लाइफ उस प्रोडक्ट में मिलती है। सर, आपके जैसी कंपनी और कंपनी भी है, उसके साथ कैसे कंपेयर करना चाहोगे? सर देखिए, हमारे अभी बीकानेर वाला या बीकानो जो मिठाइयों के बिजनेस करते हैं, प्रोबेबली हम लोग नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़े प्लेयर हैं मिठाई के इस बिज़नेस में। गिफ्टिंग का ये जो बिज़नेस है, ये हमारे कंपटीशन में एकाध कोई प्लेयर होते होंगे, वो होते होंगे। अदरवाइज इस कैटेगरी के अंदर अभी तक तो पिछले 25 सालों से हम लोग लीडरशिप एंजॉय कर रहे हैं। सर, जैसे मंदी की मार अर्थव्यवस्था चल रही है, इस अवसर पर आप जो ये नए प्रोडक्ट लेके आए हो, जी, इसको कितना माइलेज मिल सकता है? सर, मंदी की मार जो बेसिकली क्या है, हमारा जो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये एक सेंटिमेंट से रिलेटेड हैं, त्योहारों से रिलेटेड है। आप देखेंगे कभी भी, अगर अपन को क्या है, किसी के यहाँ पर भी आप देखोगे, आप जिन लोगों को पिछले साल जिनको आपने गिफ्ट दिए हैं, क्या आप अवॉइड करोगे मंदी की वजह से? उनको नहीं करोगे, है ना? ये आपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार सभी को देते हैं। जो कंपनीज़ ने ये गिफ्ट का कल्चर रखा हुआ है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देते हैं, वो सारी कंपनीज इस साल भी देंगी। तो ये प्रोडक्ट्स क्योंकि सेंटिमेंट से रिलेटेड हैं, एक फेस्टिविटी से, खुशहाली से रिलेटेड हैं, तो हम नहीं समझते कि इसके अंदर मंदी आने का चांस है। दूसरा, हमारी मंदी ना आने का चांस ये है, बहुत सारा आप लोगों की मदद से ही, जिस तरह से आप लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोकल मिठाइयों से लोग जो हैं कन्वर्ट हो रहे हैं ब्रांडेड मिठाइयों की तरफ। तो जब ब्रांडेड मिठाई की तरफ आएंगे, तो ऑब्वियसली हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा, हमारे बिजनेस का